Assalamu alaikum. Dear students, in my previous lecture, I gave you a brief introduction of this essay, Why Boys Fail in College. Now, in today's class, we are going to discuss in detail various causes of failure. In the first paragraph, first of all, Herbert E. Hawks mentions this first cause of failure, that is nervous habits. Writer ka ye khayal hai ki bahut sare students nervous habits ki wajah se fail ho jate hain. और इन स्टूडेंट्स की राइटर ने दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताई हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि दीज आर द स्टूडेंट्स हु ट्राई टू डू देयर वर्क. डू यू रिमेंबर इन माय प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू द बॉयज़ हु फेल इन देयर कॉलेज लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज, दोज हु ट्राई एंड दोज हु डू नॉट ट्राई. नाउ दिस फर्स्ट कॉज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द बॉयज़, दोज हु ट्राई. यू सी द राइटर सेज दैट दे अटेम्प्ट सीरियसली टू मेक गुड. To make good means to show good performance. Now these are the students who make their efforts. They try hard to study and they spare their study hours. And they possess the ability as well. Possess means to have or own. They have the talent. They have the ability. ये talented students होते हैं और इनको अपनी पढ़ाई की फिक्र भी होती है. ये पढ़ने के लिए बैठते हैं. But the problem is that because of their nervous habits, they cannot concentrate on their studies. They cannot focus their attention. Asal mein unki attention divert ho jati hai during their work. Is wajah se unka kaam productive nahi rehta aur wo result oriented nahi hote because of lack of concentration. Jitni mehnat wo karte hain ya jo time wo apne taur pe kitabon ki open books ki presence mein अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं उसका आउटपुट उतना प्रोडक्टिव नहीं आता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसंट्रेशन. यहाँ राइटर ने लैक ऑफ कंसंट्रेशन की एक एग्जांपल भी दी है. राइटर ने ये बताया है कि लाइक ए स्टूडेंट सिट्स डाउन टू स्टडी एंड ही ओपन्स हिज बुक, बट बिफोर ओपनिंग हिज बुक उसको ये ख्याल आता है कि आई बेटर शार्पन माई पेंसिल. और जब वो एक पेंसिल को शार्प कर लेता है तो फिर उसको ख्याल आता है कि मैं अपनी बाकी बुक्स भी अरेंज कर लूँ और बाकी पेंसिल्स को भी शार्पन करके रख दूँ. और उसके ख्याल में वो स्टडी रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज्ड होता है लेकिन एक्चुअली उसका टाइम पढ़ने का गुजर जाता है और आउटपुट कोई नहीं होती. इस चीज़ को हम और डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर भी देख सकते हैं. आप इसकी एक और एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे एक स्टूडेंट तीन या चार सब्जेक्ट्स को अपने टाइम के अकॉर्डिंगली लेके पढ़ने के लिए बैठे और फॉर एग्जांपल ही ओपन्स द बुक ऑफ फिजिक्स और वो अपना काम करते करते उसके माइंड में जो टेंशन इस चीज़ की आ जाती है कि मुझे एक दूसरे सब्जेक्ट का टेस्ट भी प्रिपेयर करना है, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, और एक काम को इनकम्प्लीट छोड़ के वह दूसरे काम को करना शुरू कर देता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस उसके काम की कोई आउटपुट या प्रोडक्ट अच्छा नहीं आता. इसकी वजह यह है कि उसके माइंड पे स्ट्रेस होता है. इनफैक्ट नर्वसनेस कहते ही इस चीज़ को हैं कि जब आपकी बॉडी स्ट्रेस के साथ कोप नहीं कर पाती. सो बिकॉज ऑफ ऑल दैट स्ट्रेस वो अच्छा रिजल्ट शो नहीं कर पाते. अब ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो नर्वस हैबिट्स का शिकार हैं उनके लिए राइटर ने क्या सजेशन दी है कि अपने प्रॉब्लम को कैसे क्योर कर सकते हैं. राइटर का यह ख्याल है कि नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट. Uproot means to put to an end. जो students nervous habits का शिकार हैं उनके इस problem का हल that is not easy. But remember, he does not say it is impossible. हल मुश्किल ज़रूर है but it's not impossible. मुश्किल इस वजह से है कि उनके अंदर एक habit develop हो जाती है lack of concentration की. यह उनका कुछ inbuilt या instinctive natural problem भी हो सकता है. Therefore, उनको इस काम को इस habit को अपनी nervousness को और lack of concentration के problem को uproot करने के लिए बहुत effort करनी पड़ेगी and they will have to dedicate themselves कि वो इस काम को इस habit को अपने अंदर से ख़त्म करें. इसका first step ये है कि boy must take himself by the collar. Taking by the collar means कि उसको इस काम में fully अपने आप को involve करना चाहिए. He should realize कि वो lack of concentration के problem का शिकार है और उसको अपनी nervousness को ख़त्म करना है. He should understand it, he should realize it और उसके बाद उसको full dedication और honesty के साथ अपने इस problem को uproot करने की कोशिश करनी चाहिए. ये एक ऐसा problem है जिसका हल student के पास ही है और जब तक वो खुद effort नहीं करेगा इस problem को uproot करने के लिए he will not be successful. And he has to develop a balanced attitude in himself. और अपने अंदर जो nervousness है, अपने अंदर जो fidgets हैं उनको ख़त्म करके उसको एक balanced attitude develop करने की ज़रूरत है. Now we move to the second cause of failure. Here you can see second cause of failure as described by the writer is mistaken ambition. Now again this is a very common cause of failure जो हमें अपने यहाँ भी अपने कॉलेजेस में नज़र आती है. बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसकी वजह से फेल हो जाते हैं. इसकी वजह यह है कि कॉलेज लाइफ के जो करियर बिल्डिंग ईयर्स हैं यहाँ पे प्रॉब्लम आती है चॉइस ऑफ द प्रोफेशन की.
और चॉइस ऑफ प्रोफेशन में अगर क्लैश आ जाए बिटवीन द चॉइस ऑफ द पेरेंट्स एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो फिर ये प्रॉब्लम अराइज कर जाता है मिस्टेकन एम्बिशन का. मिस्टेकन एम्बिशन का शिकार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करते हैं. लैक ऑफ इंटरेस्ट वो इसलिए शो करते हैं क्योंकि ये उनकी चॉइस के सब्जेक्ट्स नहीं होते, उनकी अनॉइंस होती है और वो ये समझ रहे होते हैं कि हम किसी और के डेस्टिनेशन जो सेट है उसको फॉलो कर रहे हैं और अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने की परमिशन नहीं है. इस वजह से वो अपना उसके अंदर एफर्ट ही पुट नहीं करते और कभी भी अच्छा काम करने की कोशिश नहीं करते. राइटर ने यहाँ पे हमें जहाँ अपना एक्सपीरियंस बताया एज ए टीचर, और उसने ये बात मेंशन की कि व्हेन ही वाज अ टीचर ही यूज्ड टू गिव ए पीस ऑफ एडवाइस टू द पेरेंट्स रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ ए प्रोफेशन. और राइटर ने यहाँ पे हमें एक क्राइटेरिया सेट करके दे दिया है कि हाउ शुड दिस चॉइस बी मेड. इधर हमें पेरेंट्स की राय को उनके एक्सपीरियंस और उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बेस पे उनकी मर्जी को सामने रखना चाहिए, और शुड वी गिव दिस डिसीजन इन द हैंड्स ऑफ द स्टूडेंट हिमसेल्फ. तो राइटर ने ये कहा है कि हमें ये प्रोफेशन की चॉइस का जब इसको चूज़ किया जाना है तो उस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि इसके लिए दो बेसिक प्री रिक्विजिट्स हैं और वो क्या हैं. ही सेज वन इज इंटरेस्ट एंड द अदर इज़ एबिलिटी. अगर किसी स्टूडेंट के अंदर अगर वो इस क्राइटेरिया को मीट करता है, उसके अंदर इंटरेस्ट है, लगन है, शौक है, एम्बिशन है, बर्निंग डिज़ायर है किसी प्रोफेशन को अडॉप्ट करने की, तो हमें उसको इससे मना नहीं करना चाहिए. इंटरेस्ट राइटर के ख्याल में प्रायोरिटी के ऊपर है. सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे का बेंट ऑफ माइंड किस तरफ है और उसकी लाइकनिंग किस तरफ है, वो किस प्रोफेशन को पसंद करता है. बट दैट इज़ नॉट एनफ. उसके साथ साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए. क्या वो उस रिक्वायर्ड एबिलिटी को उसके अंदर वो एबिलिटी मौजूद है, जितना हार्डवर्क, जितनी डेडिकेशन और जो आईक्यू लेवल किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन को अडाप्ट करने के लिए चाहिए, अगर उसके पास मौजूद है तो फिर हमें इन दो चीज़ों के बेस के ऊपर फैसला करना चाहिए. इफ़ द स्टूडेंट हैज़ इंटरेस्ट एंड इफ़ ही पजेसिस एबिलिटी एनफ, तो फिर पेरेंट्स को उसके रास्ते में खड़ा नहीं होना चाहिए. राइटर ने यहाँ हमें एक बहुत अच्छी ये एक सजेशन दी है. एंड देन ही सेज व्हेन वी कम टूवर्ड्स द क्योर ऑफ दिस प्रॉब्लम, अगर हम ये चाहते हैं कि मिस्टेकन एम्बिशन की वजह से स्टूडेंट्स को फेल होने से बचा लें, तो राइटर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूट या कॉलेज ही लगाई है दैट द फैकल्टी मेंबर्स दे शुड इंटरवीन. और उनको ये देखना चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे प्रॉब्लम का शिकार हैं तो वो उनके पेरेंट्स को टाइमली इन्फॉर्म करें. यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि टाइमली एक्शन लिया जाए, अदरवाइज टाइम वंस वेस्टेड कैन नॉट बी रिकॉल्ड बैक. तो इस वजह से अगर एट द वेरी बिगिनिंग स्टेज हम ये डिटेक्ट कर लें कि कोई स्टूडेंट्स मिस्टेकन एम्बिशन का शिकार हैं और वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहते और अपनी मर्ज़ी से कोई दूसरा प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं, तो उनके पेरेंट्स को बुला के टीचर्स को ये बात समझानी चाहिए और कॉलेज अथॉरिटीज़ दे शुड इंटरफियर. उनको ये बताना चाहिए कि अगर वो अपने बच्चे के करियर को कामयाबी की तरफ जाता हुआ देखना चाहते हैं तो दे शुड लेट हिम चूज़ द प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस. एक्चुअली मैनी ऑफ द पेरेंट्स और हमारे यहाँ भी ऑलमोस्ट सारे ही पेरेंट्स ये चाहते हैं कि कोई प्रोमाइजिंग करियर अपने बच्चे के लिए सेलेक्ट करें, लेकिन हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता. उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर प्रोफेशन चूज़ करने दिया जाएगा तो वो ज़्यादा उसमें सक्सेस का रेशो ज़्यादा होगा. एंड हियर वी मूव टू द थर्ड कॉज ऑफ फेलियर. दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस. अगेन दिस इज़ अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ फेलियर. ओवर कॉन्फिडेंस उन स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है ओवर कॉन्फिडेंस के रेफरेंस से जो स्कूल लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनको बहुत स्कूल लाइफ में इतनी ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ती अपनी स्टडीज़ में, और वो ये मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होते हैं कि विद एज लिटिल एफर्ट वी कैन फ्लोट थ्रू कॉलेज एज वेल. These are the bright boys who always did school work without effort. Bright boys here means the intelligent boys. जो बच्चे ज़्यादा आई क्यू लेवल रखते हैं वो अपने स्कूल के काम को बहुत ईजिली और दूसरे बच्चों के मुकाबले में बहुत जल्दी कर लेते हैं, और फिर जब वो कॉलेज में आते हैं तो उनका ये ख्याल होता है कि वी रिक्वायर एज लिटिल एफर्ट और हम एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले अपनी बुक्स को खोलेंगे एंड वी विल बी सक्सेसफुल, एंड दैट इज़ देयर ओवर कॉन्फिडेंस. और इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो नाकामी का शिकार हो जाते हैं. इसके लिए राइटर ने जो हमें क्योर बताया है वो ये है कि द बॉय हिमसेल्फ हैज़ टू डेवलप ए न्यू सेट ऑफ हैबिट्स. अब जो आपने जैसे लैक ऑफ कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम के रेफरेंस से पढ़ा था कि उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो हैबिट्स से रिलेटेड बात थी. और जहाँ जहाँ हैबिट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगा वहाँ राइटर का ये ख्याल है कि इट्स नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि हैबिट्स बनने में बहुत टाइम लगता है, फिर उनको दोबारा दुरुस्त करने में भी हमें बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, और इसमें ज़्यादा रोल बॉयज़ को ख़ुद प्ले करना है. व्हाट द अदर्स कैन डू इज़
to point out what is the difficulty. Teachers, parents, class fellows, वो सिर्फ ये बता सकते हैं एक बच्चे को कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो. He himself has to develop a new set of habits, और उसको ये अंडरस्टैंड करना है कि कॉलेज की स्टडीज़ के लिए थॉरो स्टडीज़ की ज़रूरत है, ज़्यादा टाइम उसको स्पेयर करना है. इसी बेस के ऊपर वो सक्सेसफुल हो सकता है. सो आज की क्लास में हमने ये 3 डिफरेंट कॉजेज ऑफ फेलियर पढ़ी हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मिस्टेकन एम्बिशन and overconfidence, and in the next class we will continue with the same lecture. Thank you.